पाकिस्तान का झंडा जिसे पकड़ाया वो बच्चा पाकिस्तानी नहीं है। थैंक यू। मलेशियन नेशनल एंथम, ये भी स्टूडेंट है इनके। मैं आपको जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। यार 2016 में 4 साल की मेहनत के बाद मुझे काला कोट पहनना नसीब हुआ था। नहीं, काला कोट पहनने का ये मतलब नहीं है कि मैं वकील बना था, मैं ग्रेजुएट हुआ था यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और मेरी उस वक्त उम्र थी 28 साल। अभी 2024 में हमना हफ्सा 8 साल की उम्र में काला कोट पहनने लगी, ग्रेड 1 के बाद। यहाँ जी अब दौर ये आ गया है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हर क्लास के बाद, हर ग्रेड के बाद जो है वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है जी। और हमने कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए 4 साल अपनी इंजीनियरिंग के हमने जी मेहनत की और इस काले कोट को जो है पहनने के दिन का इंतज़ार किया। लेकिन चले यार, जो जो वक्त आगे जा रहा है, आजकल के बच्चों का एक्सपोजर हर मामले में बहुत बढ़ता जा रहा है। ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल की 4th कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए मैं आया हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में। तो यहाँ पर इन्होंने एक कल्चरल हॉल बुक किया हुआ है, तो इनकी 4th जो है कॉन्वोकेशन सेरेमनी शुरू होने वाली है। चले आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ के इंतजाम भी दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल्स जो इतना इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं वो किस किस्म का एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, जो है एकेडमिक्स एक्सपोजर के अलावा अलावा यहाँ पे जो इस किस्म की तकरीबात होती हैं वो कितनी वेल मैनेज होती हैं और बच्चों पर इनका क्या इम्पेक्ट होता है। चलें आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। यार इस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है मलेशिया के अंदर। तो यहाँ पे बड़ी बड़े जो है दूसरे ममालिक से, पाकिस्तान से भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, दूसरे ममालिक से भी लोग यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ के, इसका जो नाम है उससे कन्फ्यूजन ना हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ होती है, यहाँ पर डिफरेंट डिग्रीज़ भी होती हैं। आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन, MBA, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इस्लामिक स्टडीज़ में है, यानी कि डिफरेंट किस्म के फ़िका पढ़ सकते हैं, शरिया पढ़ सकते हैं। तो आपको बकायदा आप ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। चले बहरहाल, ये हमारा कल्चरल हॉल है जहाँ पे हमने जाना है। और ये बाहर बुके, ठीक है, इंशाल्लाह ग्रेजुएशन के बाद देखते हैं सेरेमनी हो जाए इनकी, ग्रेजुएशन जो है डिग्री मिल जाए इन्हें, ग्रेड 1 में PhD की डिग्री मिलेगी उसके बाद। प्राइमरी ग्रेड 1, ओके। पाकिस्तान का झंडा जिसे पकड़ाया वो बच्चा पाकिस्तानी नहीं है। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। ये है जी कॉन्वोकेशन हॉल, ठीक है। मैं कॉन्वोकेशन हॉल में आपको हमना हफ्सा दिखाता हूँ। द पाकिस्तानी फ्लैग इज नॉट इन पाकिस्तानी, या पाकिस्तानी हफ्सा पकड़ेगी पाकिस्तानी फ्लैग। चले देखते हैं हफ्सा पाकिस्तानी फ्लैग टेक ओवर करेगी, उसे किस कंट्री का फ्लैग दे। कैन यू हैंड ओवर हर टू द पाकिस्तानी फ्लैग? ओके, यू मिक्स ऑल, ओके ओके ओके। पता नहीं कौन सा झंडा पकड़ा है। ये जी अब हॉल के अंदर आएंगे। अच्छा, ये है जी, ये पेरेंट्स वाली साइड है, ठीक है। और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और इस तरफ जो है ये ग्रेड वाइज बैठे हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और यह बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं इनके। ये देखें, ये ग्रेड 6 है और ये पेरेंट्स इस तरफ। और हफ्सा जो है वो बाहर फ्लैग पकड़ने जा चुकी है। हम ना, मैं आपको दिखाता हूँ अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए अपनी जगह पे, जो कि चांसेस कम है वैसे। और आगे VIP गेस्ट बैठे हैं, VVIP गेस्ट, ठीक है। ये स्टेज है जो 4th कॉन्वोकेशन ऑफ ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। अच्छा यार, इन्होंने यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट भी दिए, मैं आपको दिखाता हूँ जाके कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या दिया है इन्होंने। यार ये ब्रेकफास्ट बॉक्स है, ठीक है, ये दिया है इन्होंने, ये देखें। और इसके अंदर जो है जूस है, क्रोसेंट है, बिस्किट है और सैंडविच है। लेकिन इसके अलावा जो मज़े की चीज़ दी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यार इन्होंने ये मेरा जी Insta360S प्रो पड़ा, मुझे इस पर ब्लॉग बनाने का मज़ा नहीं आया वैसे तो। अच्छा, ये कप दिया है इन्होंने, ये देखें, ये पेरेंट्स को दिया है, यानी 2 कप हैं ये ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल ग्रेजुएशन अवार्ड एंड सेरेमनी।
ये जी ब्राइटन ट्रेडिशनल स्कूल की बारात आ रही है। ये टॉप ऑफिशियल्स हैं इनके, हफ्सा भी नजर आएगी मुझे। हफ्सा नहीं आई अभी तक, ये चली गई, ये मुझे पता नहीं लगा। वो हमना आ गई, हमना के पास कतर का झंडा है, नहीं यमन का आई थी, ये बहरीन है, यमन या बहरीन है यार, झंडे की पहचान नहीं है ये यार। इनके टॉप ऑफिशियल्स हैं फैकल्टी के, इनके ये स्टेज पे अभी पधार रहे हैं, वो पहलवानों वाला गुजर वहां पे रख दिया उन्होंने। मलेशियन नेशनल एंथम इनका पाक सरजमीन, और ये है जी ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल का अपना थीम सॉन्ग, वी आर द लाइट दैट शाइन सो ब्राइट। तलावत कुरान पाक, ले जी हफ्सा वकार आ गई है, ग्रेड वन में पीएचडी की डिग्री मिल रही है हफ्सा वकार को। हफ्सा वकार वकार ये ग्रेड वन ए है, इसके बाद ग्रेड वन बी आएगा, उसमें हफ्सा आएगा, हमना आएगी फिर। थैंक यू, ले जी हमना वकार, हमना वकार, वो हमना आ गई। हमना वकार, ये जी ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएशन फोटो ग्रुप ग्रेड वन ए एंड वन बी की। वो हफ्सा बैठी है, हमना को ढूंढने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी, हमना कहाँ पे, हमना पीछे खड़ी है, वो हमना खड़ी है। ये जी ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, हफ्सा वो आ रही है, बाय बाय करती हूँ। मैं आपको जानता हूँ, मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ। ये हफ्सा की बेस्ट फ्रेंड है रीम, राइट? या हाय कंग्रेट्स, मैं आपको जानता हूँ। चलो जाओ 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 जाओ। ये भी स्टूडेंट है इनके, और ये कल्चरल डांस परफॉर्मेंस है। और एक कच्चा ड्रेस भी पहना हुआ है वो। यार ये बहुत अच्छी रिहर्सल और प्रैक्टिस करवाई गई है इनकी, इनकी मैं देख रहा हूँ सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी है, ये नहीं है कि वो स्टेप मिस कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी जबरदस्त किस्म की सिंक्रोनाइजेशन। देखें टाइमिंग, देखें हर किसी को अपना रोल पता है, कितने स्टेप के बाद किस तरह मूव करना है। यार ये क्वायर परफॉर्मेंस है सेकेंडरी और प्राइमरी की, ठीक है, स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। क्वायर वर्ड ही होता है ना CHOIR, क्वायर, वो जो चोयर पढ़ते हैं हम लोग, तो ये भी स्टूडेंट्स हैं।
यार ये है ईयर बुक। साल के शुरू में हमसे जो है 120 रिंगिट चार्ज किए थे, मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी कि किस चीज के चार्ज किए हैं। ईयर बुक लिखा हुआ था, तो ये ईयर बुक है जो ग्रेजुएशन के टाइम पे दे रहे हैं, एकेडमिक ईयर 2023-2024। इसमें ये इनकी फैकल्टी का तारुफ है, ठीक है, ये इनके जो हेड हैं और चेयरमैन हैं, ग्रुप चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इसके अलावा ये फैकल्टीज हैं, ठीक है, ब्राइटन जूनियर टीचर्स, ठीक है, उसके बाद ये देखें सेकेंडरी टीचर्स, ये सारे, ये मिस सुमन है, पाकिस्तानी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब आ जाएं, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोअर प्राइमरी है, आगे आ जाएं। अच्छा, अब ग्रेड वाइज आएगा, आगे जाने दें, ठीक है। अब ये देखिए, ये कमेटी सेक्रेटरी, अच्छा आगे जाने दें ज़रा। काफ़ी अच्छी बुक है ये। अब ये ग्रेड वाइज आने वाला है, ठीक है, प्री स्कूल आ गया, प्री स्कूल टू आ गया, अच्छा अब ये ग्रेड वन ए आ गया। इसमें ये देखिए ज़रा, ग्रेड वन ए में ये हफ्सा है, ठीक है, और ये अब ग्रेड वन बी आ रहा है, बी के अंदर ये हमने है, ठीक है, और ये उनकी स्कूल में अंदर सिटिंग की भी हैं पिक्चर्स। इसके अलावा जो है, जो साल भर में इन्होंने एक्टिविटीज़ करवाई हैं उसकी पिक्चर्स आएंगी, कि अब फॉर एग्जांपल इन्होंने ओलंपिक्स करवाए थे, ओलंपिक्स की पिक्चर आएंगी, एक्टिविटीज़ जो जो करवाई हैं, देखिए लैंग्वेज डे है, मलेशिया डे सेलिब्रेशन है, ठीक है, तो ये टीचर्स डे, सारी पिक्चर्स हैं यार, बड़ी ज़बरदस्त स्कूल बुक है यार, जो वन सुशी किंग का ट्रिप था इनका, ये देखें इनकी लैब्स वगैरह की, तो जो इन्होंने 120 लिए थे उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी बुक है, बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं जो कि आपकी हर साल की जमा होती जाएंगी आपके घर। यार ये था आज का व्लॉग, वंडरफुल अरेंजमेंट्स, इतने ज़बरदस्त अरेंजमेंट थे, हर चीज़ जो है, इनका होमवर्क नज़र आ रहा था कि इन्होंने काम किया है, इसकी प्लानिंग की है, इस पर पैसा लगाया है, 380 रिंगेट पर पेरेंट इन्होंने लिए थे, तो मुझसे हमने अफसा के 380 प्लस मल्टीप्लाई बाई टू, ठीक है, तो वो लगे नज़र भी आ रहे थे। आपने ऑफकोर्स एक कन्वोकेशन हॉल रेंट किया, इतना पैसा लगाया है, उसके बाद होमवर्क नज़र आ रहा था, डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, हम नफ्सा को करवाते रहे हैं आपने स्टेज पे ऐसे जाना है, ऐसे करना है। यार व्लॉग का मकसद आपको दिखाना था कि इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं वो आपके बच्चों की ग्रूमिंग कैसे करते हैं, इस तरह की चीज़ों का मुझे मैंने फिगर आउट किया, एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि देखिए आपका बच्चा 6वीं-7वीं में है, और सॉरी 6-7 साल का है, ग्रेड वन में है, वो स्टेज पे जा रहा है, सामने उसके वीआईपी गेस्ट बैठे हैं, इतने सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं उनके सामने, वो जा रहा है एक वॉक करके, ठीक है, आप एक कॉन्फिडेंस लेवल देखें बच्चों का कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है कि वो फेस कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद, और ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है, शायद आपको बड़ी फनी लगे लेकिन ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, बहुत सारे लोगों में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि लोग उनको देख रहे हैं और वो कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। उसके बाद जो है फ़ायदा ये है कि आपके बच्चे का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है, और नुकसान ये है कि जिस तरह हर ग्रेड के बाद ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाया करेंगे, हर ग्रेड के बाद कन्वोकेशन होगी, तो जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे, हम जैसे जो हैं स्टूडेंट्स थे, हमने 4 साल वेट किया था ये काला कोट पहनने का, तो शायद इनका इतना चार्म ना रहे वो उस चीज़ का। तो इंशाल्लाह यार इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स आते रहेंगे, ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल का व्लॉग भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और मेरे अब तक के मैंने जितना कॉन्टेंट बनाया है मेरा वो व्लॉग सबसे ज़्यादा नंबर वन रैंक कर रहा है मेरे अपने कॉन्टेंट के अंदर, लोग काफ़ी ज़्यादा उस व्लॉग को कॉमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों की फीडबैक भी अच्छा आ रहा है उस पर, आप लाजमी देखिएगा, और इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के ब्लॉग आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।